Okay, hi students. Today we will continue our class, which is this revision exercise. It's the last one basically. After this, we'll start off with a new chapter. And last chapter, we completed till question number 6A. And now we completed A. We'll continue and we'll try to finish this as soon as possible so we can start off with the new one. Question number B says, a shopkeeper sold 2,615 caps for rupees 134 each, and 2,568 sweaters for 65 rupees each. Okay, caps are more expensive than sweater, I see. How much does the shopkeeper got? Okay, very simple. Before we do this one, let's do one example. Let me give you one simple example. Okay, na? Example. Okay. We'll take the example of a shopkeeper. A shopkeeper sold 5 pens for rupees 10 each. Each means 5 pen becha, aur har ek ka, each means every single, the price of every single pen. Har ek ka dam 10 rupaye. Theek hai? Aur 10 pencils becha for rupees 2 each, और 10 पेंसिल बेचा जिसमें हर पेंसिल का कितना दाम लिया, हर एक पेंसिल का 2 रुपए लिया. तो हमको पता करना है हाउ मच मनी डिड ही अर्न, टोटल कितना उसने अर्न किया. उसके लिए ठीक है, 5 पेंसिल बेचा और एक पेंसिल का कितना है, एक पेन का दाम है रुपीज 5. ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपीज 10, सॉरी माय बैड. कॉस्ट ऑफ ईच मतलब एक पेन का रुपीज कितना, 10. उसने कितना बेचा, 5 पेन, तो 10 × 5 सिंपल रुपीज 50. तो पेन में टोटल बेच के उसने कितना कमाया, 50 रुपीज कमाया. वैसे ही ईच लिखा है ना, मतलब एक पेंसिल. ईच मतलब एक पेंसिल का कितना लिया, रुपीज कितना है एक पेंसिल का, 2. बेचा कितना उसने, 10. तो 2 × 10 20 रुपीज 20. तो पेंसिल बेच के कितना कमा लिया उसने, टोटल 20. अब हमको पता करना है टोटल उसने पैसा कितना कमाया, 5 पेन और 10 पेंसिल बेच के. 50 + 20 इज हाउ मच, 70 रुपीज. Likewise, we have to do the question number B. A shopkeeper sold कितना caps? चलो पहले हम लिख लेंगे B. इसमें we have to write the statement, cost of कितना, 26. Cost of, पहले हम 134 each लिखा है, तो cost of 1 cap लिखेंगे. ठीक है, 1 cap is equal to how much, 134. दिस इज कॉल्ड एट द रेट. एट द रेट मतलब उसने इतना कैप सेल किया, एट द रेट मतलब कितना रेट में, 134 ईच, हर एक का 134 करके. ठीक है, तो हर एक ईच मतलब 1 cap इज इतना. ठीक है, तो हम इतना कैप का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कितना कैप्स भेजे उसने, 2,615 कैप्स इक्वल टू रुपीस कितना होगा, एक कैप का इतना, तो इतने कैप्स का कितना होगा, दिस इनटू दिस है कि नहीं, एक पेन का 10 था, तो 5 पेन का कितना होगा, 10 × 5. एक पेन का 10 था, 5 पेन का 10 × 5 हो गया. एक पेन का इतना था, तो इतने पेन एक कैप का रुपीस 134 था, तो 2,615 कैप्स का कितना होगा, 2,615 × 134 है कि नहीं. लेट्स मल्टीप्लाई इट, चलो यहाँ पे करते हैं, × 134. डू इट नीटली, डू इट क्लीनली. ठीक है, एंड ट्राई टू डू इट एज स्लो एज पॉसिबल. 4 × 5 = 20. ठीक है, 2 कैरी हो गया, 4 × 1 = 4, 5 = 6. ठीक है, 4 × 6 = 24, 4 2 कैरी हो गया इधर, तो नो 2 लिखना, मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ.
ठीक है, 4 2 + 2 10, क्रॉस 0 के नीचे क्रॉस, 3 5 = 15 5 1 इधर कैरी आया, 3 1 = 3 + 1 4, 3 6 = 18 का 8 1 कैरी, 3 2 + 6 + 1 कैरीड वाला 1 7, अब डबल क्रॉस 5 1 1 = 1 1 6 = 6 1 2 = 2 है ना, 1 था ना लास्ट में, वी विल ऐड अप है ना, सिंपली वी विल ऐड देम अप, 0 0 0 0 6 + 5 = 11 11 1 got carried, ठीक है, 1 + 4 = 5 5 + 4 = 9 9 + 5 = 14 14 का 4 1 got carried, 1 + 8 = 9 9 + 1 = 10 10 + 0 1 got carried, 1 2 1 + 1 = 2 2 + 7 = 9 9 + 6 = 15 15 का 5 1 carry, 1 + 2 = 3 तो उसने कितना कमाया, रुपी 2615 कैप्स का उसने कमाया रुपीस 35,000 सॉरी नॉट 35,000 इट्स 3 lakh सॉरी वंस 10,000 3 lakh 5,000 एंड 3,50,000 410 ठीक है, ये कैप्स का हो गया, अब हम ढूंढेंगे किसका, नाउ विल फाइंड द प्राइस ऑफ स्वेटर्स, ठीक है, प्राइस ऑफ कितना ईच स्वेटर, ईच की जगह तुम क्या भी लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो क्योंकि मीनिंग एक ही है, कितना है चलो बताओ, टेल मी, 65 ईच, सो रुपीस 65, नाउ हाउ मेनी स्वेटर डिड ही सेल, ही सोल्ड 2568, सो प्राइस ऑफ 2568 स्वेटर्स इक्वल टू हाउ मच, 2568 इंटू 65, लेट्स डू इट, यहाँ पे करते हैं 2568 इंटू 65, 5 8 = 40 0 4 कैरी, 5 6 = 30 30 + 4 = 34 3 कैरी, 5 5 = 25 +3 = 28 8 2 कैरी, 5 2 = 10 +2 = 12 ठीक है, यू डू द कैलकुलेशन स्लोली, 6 8 = 42 48 8 4 कैरी, 6 6 = 36 +4 = 40 40 + 0 4 कैरीड अगेन, 6 5 = 30 6 5 = 30 +4 34 का 4 3 कैरीड, 6 2 = 12 +3 = 15 ओके 15 का 5 इधर आएगा 1 इधर आएगा, ठीक है, हम लोग को थोड़ा जगह नहीं था, हम लोग ने साइड में ले लिया, नाउ लेट्स ऐड देम अप, 0 4 प्लस 8 इज 12 1 कैरीड, 1 प्लस 8 इज 9 2 प्लस 4 इज 6 1 प्लस 5 इज 6 एंड 1 विल कम डाउन एज इट इज, सो हियर ही अर्नड 1,100,000 10,000 लाख 1,66,920 रुपीस, ठीक है, अब बोला है हाउ मच डज द शॉपकीपर गॉट, तो टोटल उसको कितना पैसा मिला, ये टोटल कैप्स का और टोटल स्वेटर्स का, सो लेट्स ऐड देम है ना, क्या है कैप्स का दाम कितना है 3,50,410 कैप का है 1,66,920 लेट्स ऐड देम 0 प्लस 0 0 1 प्लस 2 इज 3 4 प्लस 9 इज 13 1 कैरीड 1 प्लस 0 इज 1 1 प्लस 6 इज 7 5 प्लस 6 इज 11 1 गॉट कैरीड 1 प्लस 3 इज 4 4 प्लस 1 इज 5 सो रुपीज हाउ मच 5,17,330 ठीक है दिस इज योर आंसर This is how you have to do it. Now we'll do question number C. How to do it? All right. Question number C reads: The factory produces
Okay, how much is it? Let's count. 1, 2, 3. 1's 10, 100. 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh. 24 lakh, 14,861 pieces of nails. Nails matlab keel. ठीक है ना, नेल्स एवरी डे, हर दिन एट द रेट. हाँ, एट द रेट मतलब कितना रुपए में? एट द रेट 10 पैसे पर नेल. अब हर नेल का दाम कितना है? पर नेल. ईच नेल एंड पर नेल, ईच एंड पर मीन्स सेम, ईच एंड पर मीन्स ऑलवेज रिमेंबर सेम, दैट्स द प्राइस ऑफ वन सिंगल कमोडिटी. तो पर नेल मतलब हर नेल का कितना है? 10 पैसे. दिस टाइम द प्राइस इज इन इट इज नॉट इन रुपीज, इट्स इन पैसे, क्योंकि नेल सस्ते होते हैं. ठीक है, 10 पैसे. हाउ मच मनी डिड कंपनी मेक इफ सेल्स द सेम क्वान्टिटी ऑफ नेल्स एट 35 पैसे? सिंपल, 10 पैसे का नेल है. ठीक है, तो हाउ मच मनी विल कंपनी मेक अगर उसी नेल को वो 35 पैसे करके बेचेगा? सिंपल है, तो हमको 10 पैसे का निकालना ही नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ वी विल राइट डाउन द गिवन थिंग्स. ठीक है, गिवन इज नंबर सी. गिवन, ओके, प्राइस ऑफ कितना नेल? वन नेल कितना है? रुपी, ओके, पैसे. तो पैसे को हम ऐसे नहीं लिखते, 10 पैसे. लेट्स राइट इट पी, 10 पैसे. ठीक है, तो ये तो हमको बताया है कि ये एक्चुअल दाम है उसका. बट इफ, अब बोला है कि इफ प्राइस ऑफ वन नेल, नेल या फिर पर नेल, इट्स सेम, ठीक है, इज 35 पैसे. ठीक है, अगर उसको हम 35 पैसे में बेचते हैं, 35 पैसे में बेचते हैं, तो कितना कमाएगा? तो हमको एक नेल का तो पता चल गया 35 पैसा है, इसको हम अभी नहीं ले रहे क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है. असली हमको बोला गया कि ढूंढो 35 पैसे में अगर हम बेचेंगे पर नेल तो कितना पैसा कमाएगा कंपनी. ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड दैट इफ पर नेल इज सोल्ड एट 35 पैसे, देन हाउ मच मनी विल द कंपनी अर्न. नाउ द नंबर ऑफ नेल्स दे प्रोड्यूस आर हाउ मच? नेल्स, ओके, लेट्स राइट नेल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू हाउ मच? 24 लाख, ओके, 14,861, ओके, 24 लाख, 14,861, once tens hundred thousand, lakh, 10 lakh, ओके. सो इसको हम क्या करेंगे? अगर इतना नेल प्रोड्यूस होता है और हर नेल का इतना दाम होता है, तो टोटल कितना पैसा कमाया? दिस इनटू दिस, सिंपल, 24 24,14,861 मल्टीप्लाइड बाय 35. लेट्स मल्टीप्लाई. 5 ones are 5, 5 sixes are 30, 0 3 got carried. 5 eights are 40. 40 plus 3, 43. 3 4 carried. 5 fours are 20. Plus 4, 24. 4 2 got carried. 5 ones are 5 plus 2 is 7. 5 4s are 20. 0 2 got carried. 5 2s are 8 plus 2 is 12. ठीक, put one cross under the last digit. 3 ones are 3. 3 sixes are 18. 1 got carried. 3 8s are 24. Plus 1 25. 5 2 got carried. 3 4s are 12 plus 2 14. 14 1 got carried. 3 ones are 3 plus 1, 4, 3 4s are 12, 2, 1 carried, 3, 2 is 6 plus 1, 7, ठीक है,
Let's add them. 5, 0 plus 3 is 3, 8 plus 3, 9, 10, 11, 1. 1 got carried, 1 plus 4 is 5 plus 5, 10. 1 carried, 1 plus 7 is 8, 8 plus 4 is 12, 2. 1 carried, 1 plus 0 is 1, 1 plus 4 is 5. 2 plus 2 is 4, 1 plus 7 is 8. So, this much. How much is it? It's 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 8 crore, 45 lakh, 20,135. How much? Rupees? No. Paise. Why paise? Because we multiplied it by 35 paise. That is why the answer will also come in paise. Okay? To convert this, we have to divide this by 100. Why 100? See, 1 rupees equal to 100 paise. Okay? Then 2 rupees is equal to 2 into 100. But jab isko ulta karenge, if I am give, to ye 200 paise ho gaya na. Now if I am given 200 paise, humko rupees mein change karna hai, to kya karenge? To isme multiply kiya tha, when it goes to the other side, theek hai, it will get divided by how much? 200, isme 100 se multiply hua tha, this time it will get divided by 100. Kya bacha? Only 2 rupees is equal to 200 paise, 2 is equal to 200 paise. Likewise, we have to change paise to rupees, we have to divide by 100, and rupees to paise we have to multiply by 100. Simple. Let's divide this by 100. Agar hum 8452 0135 ko 100 se divide kare, there is a simple rule maine pehle bhi sikhaya hai. This shall become 8452 0135. Once tens 100, once tens 100 rupees. ठीक है, 8,45,201.35 rupees. ठीक है, point लगेगा once tens 100 में, क्योंकि it's being divided by 100. Check the answer. I am not checking the answer. If there is any doubt, do contact me. ठीक है ना, I am not checking the answer because this should be the answer. I'll tell you how to do question number D. You have to try this at home. Question number D says, a bank account got deposits of this much. Ek bank account mein itna deposit hai. Let's count how much is it. 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh crore. Okay, 2 crore, 25 lakh, 75,831. Itna rupees jama hai usme. Ek company ne dala. Koi bhi company ne dal diya. Theek hai? Apne bank account mein. After a month, ek mahine baad. Withdrew means nikalna. V-I-T-H-R-A-W. It's the past form of withdraw. Withdraw matlab nikalna. Kitna nikal liya? 1 crore 63 lakh 57,473 nikal liya. Itne mein se itna nikal liya. How much money is left? Left means bacha hua. Simple. Tumhare account mein 4 rupaye tha, 2 rupaye nikalne. Kitna bacha? 4 minus 2. 2 rupaye. इतना रुपए था इतना निकाल लिया. What will you do? You'll subtract this by this. As simple as it is. This is your homework. ठीक है? I want you to do this with given. तुमको देना पड़ेगा. Money deposit equal to this much. Money withdrawal equal to this much. ठीक है? Money deposited equal to rupees this much. Money withdrawn equal to rupees this much. Money left equal to this minus this. जो आंसर आएगा वो तुम्हारा बचा हुआ पैसा होगा. Frame the problems of the following. Addition. ये दोनों को plus करोगे. This is also your homework. DN7 is your homework. Why I am giving it to you as a homework? Because it's very simple. Frame the word problems for the following. तुमको एक word problem बनाना है. Addition, subtraction, multiplication, division. तुम जैसे ये हो गया तुम्हारा. चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ. 7 है. Addition है. इतना plus इतना. ठीक है. 25760. 25607 and 30894. इधर उनको ऐड करना है, पर उसके लिए तुमको एक प्रॉब्लम खुद बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक वन क्वेश्चन. सो लेट्स मेक वन क्वेश्चन. ए हैज
rupees 25607. B has rupees how much? ओके आई लेट इट है 30894. ठीक है. वाट इज देयर टोटल अमाउंट? सिंपल. टोटल मतलब यू हैव टू एड दीज टू. तो क्वेश्चन मैंने एक बनाया, वैसे ही तुमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. ठीक है, ट्राई इट. चलो नहीं होगा था, आई मेक यू डू इट. ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा. बी सी एंड डी, ए बी सी डी, ट्राई दिस वन एंड डी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्वेश्चन बनाना है सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन बोल देना है कि चलो किसी का इतना रुपया था, निकाल लिया तो इतना, तो कितना बचा. मल्टीप्लीकेशन, एक का इतना तो इतने सारे का कितना होगा. और डिविजन, इतना इतना सारा है और इतने लोगों में डिवाइड करना है तो कितना आंसर आएगा. मैंने हिंट दे दिया है, ट्राई इट ऑन योर ओन. इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट, आई विल डू इट एंड आफ्टर दिस विल स्टार्ट अप विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है, अंटिल देन डू योर होमवर्क एंड सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप. थैंक यू.